दिल्ली शराब नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को फिर से ईडी ने कल समन भेजा। ईडी ने केजरीवाल को भेजे तीसरे समन में सवाल जवाब करने के लिए 3 जनवरी को बुलाया है। ईडी ने इससे पहले 18 दिसंबर को सीएम केजरीवाल को दूसरा समन जारी किया था और कहा था कि 21 दिसंबर को आप पूछताछ के लिए पेश हो जाएं। इस समन को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने राजनीति से प्रेरित बताया और ईडी ने ये समन ऐसे समय में जारी किया था जब वो 20 दिसंबर को विपश्यना के लिए रवाना होने वाले थे। इसके पहले केंद्रीय एजेंसी ईडी ने केजरीवाल को 2 नवंबर को समन भेजा था, लेकिन नोटिस को गैर कानूनी और राजनीति से प्रेरित बताते हुए पूछताछ में केजरीवाल शामिल नहीं हुए थे। इस दिन केजरीवाल मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार करने पहुंचे थे। तो 18 दिसंबर को मिले समन पर आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने चिट्ठी लिखकर कहा कि समन राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों के इशारे पर जारी किए गए हैं जो विपक्ष की आवाज दबाना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने 20 दिसंबर को ईडी को भेजे जवाब में कहा कि समन में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि उन्हें मामले में गवाह या संदिग्ध के तौर पर या एक दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अथवा आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर बुलाया गया है। उन्होंने ईडी को भेजे अपने जवाब में यह भी कहा कि आपके समन का समय इसके पीछे की मंशा मेरे इस विश्वास को मजबूत करते हैं कि मुझे भेजे जा रहे समन किसी उद्देश्य या तर्कसंगत मानदंड पर आधारित नहीं है, बल्कि ये राजनीतिक प्रतिद्वंदियों के इशारे पर आवश्यक विचारों से प्रेरित हैं जो केंद्र में सत्तारूढ़ दल के विरोध की आवाज़ को चुप कराना चाहते हैं ताकि 2024 की शुरुआत से लेकर मध्य तक होने वाले संसदीय चुनावों से पहले अंतिम कुछ महीनों में सनसनीखेज खबरें बन सके। केजरीवाल सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने समन को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया ट्विटर पे लिखा कि हर कोई जानता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विपश्यना में हैं। ईडी को भी अच्छी तरह से मालूम है कि उन्हें समन नहीं दिया जा सकता क्योंकि जब वो 10 दिनों के लिए विपश्यना में हैं तो इस दौरान उनके पास संचार का कोई माध्यम नहीं है। भारद्वाज ने यह भी कहा कि ये समय कानूनी प्रक्रिया से ज्यादा केंद्र सरकार का राजनीतिक दिखावा लगता है। दिल्ली आबकारी नीति से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व डिप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया और आपके सांसद संजय सिंह जेल में पहले से ही बंद हैं। ईडी ने दावा किया है कि शराब नीति बनाने में आप नेता सिसोदिया और संजय सिंह सहित कई नेताओं की अहम भूमिका है। इस नीति के माध्यम से शराब डीलर्स को आर्थिक फायदा पहुंचाया गया। इन आरोपों को खारिज करते हुए आपका कहना है कि राजनीतिक बदले की भावना के तहत बीजेपी ये सब कर रही है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।